हेलो एवरीवन, हमने स्टार्ट की हुई है क्लास थर्ड की एवरीडे इंग्लिश ग्रामर और इसका फर्स्ट लेसन हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड। इसके अंदर दिया हुआ है सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है, एकवचन और बहुवचन। इस एक्सरसाइज में कई बारी तो एकवचन दिया मिलेगा, उसका बहुवचन बनाना है, कई बारी बहुवचन होगा तो उसका एकवचन हमने बना देना है, ठीक है। थ्योरी में आपको दिया हुआ है, हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट इसकी एक्सरसाइज। ये स्टार्टिंग में ही सिर्फ और सिर्फ हमने ऐड करना है एस। इसके अलग अलग पोर्शन में दिया हुआ है, ई एस वाला अलग है और जैसे हम वाई को रिमूव करके आई एस लगा देते हैं तो वो वाला अलग है। सबसे पहले जैसे एनिमल का इसने कर दिया एनिमल्स, बर्ड का कर दिया इसने बर्ड्स, ऐसे ही हम ए में करेंगे ऐड एस। स्पेशली दिया हुआ है सिर्फ एस ही ऐड करना है तो हमारी किस फॉर्म में आ जाएंगे, प्लूरल में। ये पूरे के पूरे आपके 12 हैं और सभी में ही एस रिमूव करके आपको लिख देना है, जैसे स्ट्रिंग है, केक है, स्टीम है, तो हमारा हो जाएगा केक्स, ऐसे ये सारे हो जाएंगे। फिर है वी एड ई एस। अब ये थोड़ा सा लेवल अच्छा आ रहा है, हमने ई एस ऐड करना है। कब ऐड करना है, जब लास्ट में मिल जाए ओ एस डबल एस एस एच सी एच या एक्स, ठीक है। बी पार्ट में बोला गया है सिंगुलर और प्लूरल, ये फिर क्वेश्चन मार्क है, हमने बताना है पिक्चर देख के। यहाँ पर आपको एक ही रैबिट दिखाई दे रहा है तो सिर्फ रैबिट आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये टू बॉटल्स दिखाई दे रही हैं तो ऐसा आ जाएगा, प्लूरल में चला गया। यहाँ पर पेस्ट्री है, सिंगल है, ठीक है। कोम कंघी है लेकिन दो हैं, कोम्स आ गया। यहाँ पर पेंसिल्स टमाटो और यहाँ पर पिलो तकिया और यहाँ पर हो जाएगा कप्स, ठीक है। अब है सी में, राइट द प्लूरल ऑफ द सिंगुलर नाउन गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए हैं उनके प्लूरल करने हैं। अब फर्स्ट पार्ट में तो एस एस ही करना था लेकिन इसके अंदर हमको देखना पड़ेगा, वो ए वाला पार्ट का भी मिक्स मिलेगा और यहाँ पर ई एस वाला भी मिक्स है जिसके लास्ट में सी एच या डबल एस आ जाता था। ये इसने अभी बताया था कि ओ आ जाए, एस आ जाए, डबल एस आ जाए, एक्स आ जाए। तो फर्स्ट है जैसे टॉर्च है, सी एच आया तो इसके साथ हम लगाएंगे ई एस। अब ये मीटर है तो यहाँ पर लग जाएगा सिर्फ और सिर्फ एस क्योंकि ई तो पहले से ही था। अब यहाँ पर थर्ड में क्या हो जाएगा, ई एस, फोर्थ में ई एस और फिफ्थ में भी ई एस और सिक्स्थ में सिर्फ एस और सेवन्थ में ई एस और लास्ट में स्कूटर का हो जाएगा एस लगा देंगे, स्कूटर्स, ठीक है। अब ये थोड़ा सा और लेवल इन्होंने हाई कर दिया, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, लास्ट में वाई मिले लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट मिले, मतलब कि व्यंजन मिल जाए, तो हमने उस वाई को रिमूव करके आई ई एस लगा देना है। लेकिन अगर हमको उस वाई से पहले वोवल मिल जाए, ए ई आई ओ यू ये मिल जाए तो सिर्फ एस ही लगानी है। ये थोड़ा होता है तो थोड़ा ही लगाना है, ये कॉन्सोनेंट ज्यादा होते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा लगा देंगे लास्ट में। अब जैसे फर्स्ट में एक्टिविटी है, वाई आया लेकिन वाई से पहले जो सा टी है वो तो कॉन्सोनेंट है तो इसको हटाकर आई ई एस लगेगा और हम इसके अंदर क्या फिल करेंगे, ए सी टी आई वी आई ई एस, एक्टिविटीज, ए सी टी आई वी आई ई एस। और इसी तरह से सेकंड में वाई को रिमूव करके आई ई एस कर देंगे और हमारा थर्ड में वाई है लेकिन उससे पहले वोवल साउंड आ रहा है तो इसके साथ सिर्फ एस ही लगेगा, मंकीज हो जाएगा। फोर्थ में वाई को हटा के आई ई एस लगा देंगे और फिफ्थ में सिर्फ एस लगाना है और गेस्ट वाले में भी सिर्फ एस हो जाएगा और सिक्स्थ में भी एस लगाना है। सेवन्थ में दोनों में ही वाई को रिमूव करके आई ई एस आ जाएगा क्योंकि उससे पहले कॉन्सोनेंट था, व्यंजन था हमारा। और लास्ट वाले में चिमनीज एस लगा देंगे क्योंकि उससे पहले वोवल साउंड है। अब नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है कि अगर मिल जाए एफ लास्ट में या फिर मिल जाए एफ ई तो हमने उसको रिमूव करके या चेंज करके उसकी जगह पे लगा देना है वी ई एस। लेकिन इसने फिर भी बोला है डोंट फॉलो दिस रूल, लेकिन एक्सेप्शनल केस भी बहुत ज्यादा होते हैं ग्रामर में। अब जैसे स्टार्टिंग में ही बोला है कि प्लूरल फॉर्म हमने बनानी है, ठीक है, ये काफ है, बेबी का नेम उसने बोल दिया, लेकिन इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो इसका हो जाएगा सी ए एल वी ई एस,
क्योंकि यहाँ पर टू बोले हैं उसने। फिर है लाइफ, लाइफ का हम प्लूरल में बनाएंगे एल आई वी ई एस। थर्ड है लीफ, पत्ता, तो इसका बन जाएगा एल ई ए वी ई एस। फोर्थ में थीफ, चोर, तो इसका बनेगा टी एच आई ई वी ई एस। ये वाला रिमूव हो जाएगा पोर्शन और इसकी जगह हम और ऐड करेंगे। फिर है फिफ्थ में, ये बन जाएगा पी ई एन के एन आई वी ई एस। फिर है सिक्स्थ में चेंज करेंगे एस एच ई ए वी ई एस। सेवन्थ में हो जाएगा सी एच ई एफ एस। एट्थ में हो जाएगा एल ओ ए वी ई एस। ठीक है, अब इसने बोला है कि चेंजिंग करने हैं हमको, ये जैसे वुमन है, अगर यहाँ पर ए है तो ये सिंगुलर में है, यहाँ पर ई हो गया तो ये किस में गया, प्लूरल में गया। अभी डबल ओ है टूथ, इसका टीथ बना देंगे, तो ऐसे ही चेंज करने हैं। अब फर्स्ट में दिखाई दे रहा है हमारा डेंटिस्ट है और यहाँ पर इसने दो दांतों की बात करी है, तो यहाँ पर टीथ आएगा। ठीक है, फिर है मैनी, गूस का बन जाएगा गीज। और ये मैन, यहाँ पर ए था तो एक की बात हो रही थी, यहाँ पर ई आ जाएगा। ऐसे ही वुमेन का, और यहाँ पर फुट का बन जाएगा फिट। ठीक है, जी में हमने क्या करना है, सर्कल करना है सिंगुलर फॉर्म्स को। यहाँ पर जो दी हुई है उसकी सिंगुलर फॉर्म को हमने करना है। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ था टॉयज, तो इसका एस रिमूव कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा टॉय। ये रहा रूफ, ट्रेन और टूथ, स्पीच, लूफ, ये आप सारे देख लेना। एच में क्या कहा है इसने, रीराइट दी सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द अंडरलाइन नाउन। सिर्फ उसी को ही चेंज करना है जिसके नीचे अंडरलाइन है, इनटू प्लूरल फॉर्म। अब ये वाई है, वाई को रिमूव कर देंगे क्योंकि इससे पहले क्या था, कॉन्सोनेंट, और इसकी जगह लगा देंगे आई ई एस। इसी तरह से यहाँ पर एफ को लीफ में रिमूव करेंगे और चेंज करते हुए हम लिख देंगे वी ई एस ऐड कर देंगे, और ये सारे सेंटेंस बाकी सेम आएंगे, सिर्फ इन्हीं को ही चेंज करना था, बाकी आप राइट कर लेंगे। इसमें एस लगा देंगे, शॉप्स हो जाएगा, यहाँ पर चाइल्ड का बन जाएगा चिल्ड्रन, यहाँ पर स्टोरी बुक्स आ जाएगा, और यहाँ पर y को रिमूव करके आई ई एस हो जाएगा, यहाँ पर फ्लाई है तो y को चेंज करके आई ई एस हो जाएगा, लास्ट में s लगाना है इसको। ठीक है,